नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा लाड़ी लोहाना सिंधी महिला मंडल ने कराया रक्तदान। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। लाड़ी लोहाना सिंधी पंचायत सोसाइटी रजिस्टर तथा लाड़ी लोहाना सिंधी महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को हाईवे स्थित लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक में आयोजित शिविर में रक्तदाताओं ने 13 यूनिट रक्तदान किया। मीडिया संयोजक किशोर इजरानी ने बताया कि लाड़ी लोहाना सिंधी महिला मंडल की प्रदेश अध्यक्ष मनीषा अंदानी तथा जिला अध्यक्ष भारती केवलानी के नेतृत्व में 5 महिलाओं तथा 8 पुरुषों ने रक्तदान किया। शिविर की व्यवस्था में उपाध्यक्ष ईश्वरी लखवानी, महामंत्री कोमल नाथानी, मंत्री कविता मंगलानी, मीडिया प्रभारी कंचन आडवाणी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसमें सिंधी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया तथा सभी रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर लाड़ी लोहाना सिंधी पंचायत के राष्ट्रीय सचिव रामचंद्र खत्री ने महिला मंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रीय तथा प्रदेश पंचायत की ओर से बधाई दी। सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष नारायण दास लखवानी ने कहा कि स्वामी लीलाशाह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर सिंधी महिलाओं ने जो आज रक्तदान किया है, ये बहुत नेक सेवा है। लाड़ी लोहाना सिंधी पंचायत के प्रदेश ऑडिटर बसंत मंगलानी, जिलाध्यक्ष जीवृत राम चंदानी, उपाध्यक्ष अशोक अंदानी, कन्हैयालाल भाई जी, चंदनलाल आडवाणी, मीडिया संयोजक किशोर इजरानी, तरुण लखवानी तथा गीता नाथानी ने रक्तदान को महादान बताते हुए सिंधी महिला मंडल की सराहना की। शिविर में अपने दादा अशोक अंदानी के साथ आई 3 वर्षीय दीक्षा ने सबको रक्तदान करते देखकर अपनी दादी मनीषा अंदानी से कहा कि मैं भी रक्तदान करूंगी। तब दादी ने प्यार से समझाया कि बड़े हो जाओ फिर करना। शिविर में कविता मंगलानी, कोमल नाथानी, पूनम चंदानी, निर्मला नाथानी, माही मंगलानी, विनोद आडवाणी, गिरधारी नाथानी, ललित आडवाणी, पीयूष नाथानी, विक्की मंगलानी, दिनेश नाथानी, नुकुंद केवलानी, चंद्रशेखर आदि ने उत्साहित होकर रक्तदान किया। ब्लड बैंक के निदेशक ब्रजेश शर्मा ने रक्तदाताओं को सम्मान पत्र तथा उपहार स्वरूप हेलमेट भेंट कराए। वहीं आयोजक मंडल को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस मौके पर सिंधी महिला मंडल द्वारा भी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। लाड़ी लोहाना सिंधी महिला मंडल मथुरा के द्वारा आज मथुरा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लाड़ी लोहाना सिंधी पंचायत के राष्ट्रीय सचिव श्री रामचंद्र खत्री जी और जिला अध्यक्ष श्री जीवत राम चंदानी जी और सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष श्री नारायण दास लखवानी जी भी उत्साहवर्धन के लिए आए और इस तरीके से पूरे महिला मंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं और युवतियों ने काफी उत्साह दिखाया। आज जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है उसमें 1 दर्जन से ज्यादा युवक और युवतियों ने रक्तदान किया है। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि अगर वो रक्तदान करते हैं तो इससे एक नहीं बल्कि 4 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, क्योंकि उस रक्त को अलग अलग रूपों में डिवाइड किया जाता है, फिर जिस रूप में जहां हेल्प की जरूरत होती है वहां उसे पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से एक ब्लड से हम 4 जिंदगियां बचा सकते हैं। जय झूलेलाल, मैं कोमल नाथानी, लाड़ी लोहाना सिंधी महिला मंडल की महामंत्री। आज हमारे लाड़ी लोहाना सिंधी महिला मंडल की तरफ से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया और रक्तदान किया। रक्तदान करने से डरते हैं, ऐसा कुछ है तो नहीं डर जैसा, जैसे चींटी काटती है सिर्फ इतना दर्द ही होता है। और ब्लड डोनेट तो करते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब पुराना निकलता है तो बल्कि और अच्छा खून बनता है, तो करते रहना चाहिए। ये कैसा महसूस कर रहा है, जैसे दान करने के बाद एक खुशी मिलती है, कोई सेवा करने के बाद, जैसे कहते हैं कि रक्तदान महादान, तो ऐसा अच्छी अनुभूति हो रही है कि हम खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं इस चीज के लिए। जय झूलेलाल, मेरा नाम कविता मंगलानी, मैं सिंधी महिला पंचायत की मंत्री, और आज मैंने रक्तदान 5वीं बार किया है और मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी है कि मैं इसमें सम्मिलित हुई। आज हम लोगों ने ये आयोजन रखा, इसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पर भाग लिया,